उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सेवायोजन विभाग एक साथ मिलकर अल्पसंख्यक नौजवानों के लिए पूरे प्रदेश भर में रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। आज पहले कैंप की शुरुआत लखनऊ के शिया पीजी कॉलेज में की गई, जिसमें 50 से अधिक कंपनियों ने 5000 नौकरियों का लक्ष्य रखा, जिसके सापेक्ष में 1000 नौकरियां विभिन्न कंपनियों के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी, शिया धर्मगुरु मौलाना यासुफ अब्बास समेत अनेक गणमान्य लोग रोजगार मेले में मौजूद रहे। इस मौके पर शिया पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य शबीर रजा बाकरी ने कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है। इस तरह के मेले के आयोजनों से अल्पसंख्यक नौजवानों को नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं। ये जो मेला हम लोग के यहाँ लगा है, इसमें करीब 50 कंपनीज ने प्रतिभागिता की है और जो स्टूडेंट्स की नंबर है वो थाउजेंड्स में, जिसमें से 5000 को उन्होंने कमिट किया था सेवा आयोजन के लिए और 5000 से ज़्यादा हम लोग की अपेक्षा है कि उसकी एग्जैक्ट फिगर हम लोग को अभी नहीं मिली, लेकिन 5000 से ज़्यादा छात्र जो हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। देखिए, इसमें बहुत ही डिफरेंट हम लोग के लाइफ के वॉक से जुड़ी हुई कंपनीज थी, जिसमें आपके रैपिडो भी थी और एक्सेंचर भी थी और HDFC भी था, डिफरेंट बैंक के, इसके अलावा विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, लार्सन एंड टूब्रो थी, बड़ी बड़े जो नाम हैं आपके औद्योगिक जगत के, उन्होंने से प्रति